हम सबके घरों में ना नॉर्मल फैंस लगे होते हैं जो हम अपने रूम की छत पे लगाते हैं आज ना मैं आपको कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट दिखाऊंगी जिसे हम बोलते हैं सिम्फनी के टावर फैंस तो सिम्फनी के टावर फैंस है ना लुक वाइज बहुत ब्यूटीफुल आते हैं आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं इसमें तीन मॉडल्स आते हैं सराउंड सराउंड आई एंड सराउंड बी सो आज की वीडियो में मैं आपको तीनों की ना स्पेसिफिकेशंस बताऊंगी एंड साथ में बताऊंगी कि आप इसको कहां पर यूज करेंगे सो दैट अगर आपके पास एक एसी है और आप एक ए के साथ साथ दो या तीन रूम अपने घर के ठंडे कर सकते हैं सो वेलकम बैक टू इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा नाम है गरिमा आज की वीडियो में ना मैं आपके लिए बहुत ही डिफरेंट प्रोडक्ट लेकर आई हूँ so, सो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है बेल आइकन भी जरूर प्रेस करनी है इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी आपने फॉलो करना है तो सिंफनी फैंस के अंदर तीन मॉडल्स आते हैं सराउंड सराउंड आई एंड सराउंड बी सो मॉडल्स की बात करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ ये जो फैंस हैं ये आते हैं बी टेक्नोलॉजी के साथ अब बी एल टी टी क्या होता है बी एल टी टी की फुल फॉर्म होती है ब्लेडलेस टर्बो थ्रो टेक्नोलॉजी इसके अंदर पंखड़ियां नहीं होती है ये जो फैन है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जैसे हमारे एसी में ब्लोअर्स होते हैं ये सेम उसी के तरीके से हमारे को हवा देता है तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सराउंड मॉडल की सराउंड नाम से आपको समझ में आ रहा है सराउंड मतलब ये जो हवा है ना ये पूरे रूम में स्प्रेड करता है लाइक like, सराउंडिंग्स में स्प्रेड करता है इसका जो एयर थ्रो है वो है ट्वेंटी फीट इसकी जो कंजम्पशन है वो है वन थर्टी फाइव वॉर्ड अगर ट्वेंटी फीट एयर थ्रो की बात करूं ना मतलब अगर एक रूम में एसी लगाए तो ये दो तीन रूम तक एयर थ्रो स्प्रेड कर देगा इसके अंदर स्विल एक्शन दिया हुआ है जिससे ये रूम के अंदर एयर को अच्छे से सर्कुलेट करता है एंड ये वाला जो मॉडल है ये आता है विदाउट रिमोट इसका प्राइस मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी तो इसलिए वीडियो को पूरे एंड तक देखना एंड साथ ही में सराउंड फैन आता है व्हाइट एंड ग्रे कलर्स के अंदर आपके रूम में जिस अकॉर्डिंगली इंटीरियर हुआ हुआ है आप वैसे ले सकते हैं तो so अब बात करेंगे सराउंड आई की जो की सराउंड से एक अपर मॉडल है इसके अंदर ट्वेंटी फीट एयर फ्लो है ठीक है 135 थर्टी फाइव वॉट्स कंज्यूम करता है कलर इसमें व्हाइट एंड ग्रे अवेलेबल है लेकिन जो डिफरेंस है इसके अंदर वो ये है कि ये वाला मॉडल विद रिमोट आता है और इसके अंदर टच स्क्रीन पैनल दिया हुआ है सो so, अगर मैं बाकी फीचर्स की बात करूँ स्विवल फीचर हो गया उसका एयर थ्रो हो गया उसकी पावर कंजम्प्शन हो गई वो सब कुछ सेम है सिर्फ डिफरेंस का रिमोट का एंड टच पैनल का तो चलिए अब बात करते हैं सराउंड आई जो कि सिम्फनी का टॉप मोस्ट मॉडल आता है फैंस के अंदर नॉर्मली आपने देखा होगा मैंने बताया था कि सराउंड एंड सराउंड आई 135 थर्टी फाइव कंज्यूम करते हैं सराउंड बी लेता है सिर्फ 85 फाइव वॉट्स तो जैसे कि आपको पता है ये टॉप मॉडल है तो इसमें रिमोट तो आएगा ही आएगा ठीक है इसके अंदर टच स्क्रीन कंट्रोल पैनल भी आएगा इसका एयर थ्रो जो है वो ट्वेंटी फीट का है स्विवल एयर थ्रो इसके अंदर भी आएगा जो मेन डिफरेंस है इसके अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम कंज्यूम करता है एंड इसके अंदर जो कलर आता है वो ओनली ब्लैक आता है सो so, अगर मैं बात करूं तीनों फैंस की तीनों फैंस की लुक बहुत सुंदर है क्वालिटी बहुत अच्छी है तो so, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस फैन को आपको कहाँ पर लगाना चाहिए कई जगह पर ऐसा होता है लाइक like, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ अपने स्टूडियो का ही हमारा ये स्टूडियो है जहाँ मैं शूट कर रही हूँ ठीक है बिल्कुल मेरे ऊपर ए लगा हुआ है लेकिन एक ऐसा रूम है जहां पर हम ए सी लगा ही नहीं सकते किसी रीजन से तो वहां पर क्या होगा हम इस फैन को लगाएंगे उस रूम की एंट्रेंस पर तो so, इस स्टूडियो की कूलिंग वो फैन सर्कुलेट करेगा उस रूम तक और उस रूम को भी ये ठंडा कर सकता है सो so, मेरा कहने का ये मतलब है कि जहां पर आपको लगता है कि एक ए सी लगा हुआ है और दूसरी जगह पर या आप सेविंग्स के चक्कर में नहीं लगाना चाह रहे हो या एक्स वाई जेड किसी भी रीजन के चक्कर में नहीं लग सकता ए सी वहां पर तो वहां ये फैन बहुत अच्छी कूलिंग करता है और इसकी नॉइज काफी कम है रखा हुआ एक ऑफिस के अंदर या एक घर के अंदर या आपकी लॉबी ड्राइंग रूम कहीं पर भी बहुत प्रेजेंटेबल लगता है ये मतलब ऐसा नहीं है आपको लगेगा कि हमने कुछ भी रख दिया क्योंकि इसके कलर्स बहुत प्यारे हैं सो कई एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर आप किसी रीजन से फैन नहीं लगा सकते हो लाइक नॉर्मल सीलिंग फैंस जो हमारे घर में लगे होते हैं सो so, अगर आपको लगता है कि किसी रीजन से आप वो नहीं लगा सकते हो आप उसकी जगह ये सिम्फनी के टॉवर फैंस लगा सकते हो ये आपकी लुक को बहुत एनहांस करते हैं लाइक like, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ अगर आप अपने ड्रॉइंग रूम में भी रख दोगे ना इसको तो ये बहुत सुंदर और क्लासी लगता है वहां पर रखा हुआ सो so, ऐसी कई जगह पर जहां पर फैंस नहीं लग सकते वहां पर आप सिम्फनी फैन को इजीली लगा सकते हैं इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी बहुत ही ईजी है साउंड इसके अंदर बहुत कम आती है सो so, ओवरऑल ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है सो so, अब बात करते हैं इसके प्राइस की जो सराउंड मॉडल है उसकी एम है एट जो सराउंड आई मॉडल है उसकी एम है डबल एंड जो सराउंड बी मॉडल है उसकी एम है अवन सो so, तीनों के डिफरेंसेस मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तीनों में से जो लेना चाहें आप ले सकते हैं लेकिन ये एम हैं इनकी ऑफर प्राइस काफी अलग होते हैं सो so, अगर आपको इनको बाय करना है तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं ऑर्डर करने के लिए सो so, डेली के अंदर हम इसको डिलीवर करा देंगे टू टू थ्री वर्किंग आवर्स के अंदर एंड डेली एनसीआर में डिलीवरी अगर आपको चाहिए होगी तो हम इसको फोर टू फाइव वर्किंग डेज में डिलीवर करा पाएंगे तो चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं लेकिन जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा आप प्लीज इसके लिए जरूर कमेंट करके जाना अगर आपको लगता है सिंफनी से रिलेटेड आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं So, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और हमारे गिव अवेज आते रहते हैं अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेंगी अभी लास्ट गिवोवे हमने निकाला है फास्ट ट्रैक पॉड्स का सो so, हो सकता है नेक्स्ट लकी विनर आप ही बन जाओ सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकिन सब्सक्राइब करे बिना यूट्यूब एग्जिट मत करना ओके गुड बाय